अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। मैं यहाँ साइकाइट्री क्लिनिक में एज कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे, वो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। यानी कि बाइपोलर का मतलब ये है कि दो पोल्स अपार्ट, एक साइड के ऊपर होता है मेनिया, जिसके अंदर इंक्रीज सेल्फ इस्टीम आ जाती है और बाकी सारे सिम्टम्स मैं आपको आगे बताती हूँ, और दूसरी तरफ होती है डिप्रेशन, जिसके अंदर लोअर सेल्फ इस्टीम और वर्थलेसनेस, गिल्ट वगैरह सारा कुछ आता है। अब ये होता क्यों है? ये या तो ये जेनेटिक्स की वजह से होता है, 81% हेरिटेबिलिटी चांसेस रहते हैं कि जिनकी फैमिली के अंदर बाइपोलर रन कर रहा है उनके अंदर 81% चांसेस हैं कि वो आगे फैमिली में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके अलावा अगर कोई आपके पास स्ट्रेसर ऐसा आ गया जिसकी वजह से बाइपोलर इंड्यूस हो सकता है, केमिकल्स इम्बैलेंस हो सकता है, उस वजह से भी हो सकता है। तीसरी रीज़न होती है कि सब्सटेंस इंड्यूस, कोई आपने सब्सटेंस ऐसा लिया है जिसकी वजह से आपको स्विच कर गए हैं मेनिया के फीचर्स के अंदर, तो उस वजह से भी बाइपोलर हो सकता है। अब जो मेनिया के फीचर्स हैं उसके अंदर पेशेंट हमारे पास किन सिम्टम्स के साथ आएगा? पेशेंट यूजुअली आता है कि घर वाले आके कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बातें करने लग गया है, बहुत ज़्यादा बेरब्त बातें करने लग गया है। यूजुअली जो मेनिया के पेशेंट होते हैं वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं और बेरब्त बातें करते हैं जिनका आपस में कोई ख़ास ताल्लुक होता नहीं है। दूसरा, घर वाले कहते हैं ये बहुत ज़्यादा बातें करने लग गया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है। पेशेंट से जब हम खुद बात करते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो पेशेंट कहेंगे कि मैं खुश महसूस कर रहा हूँ। जब हम उनसे वजह पूछेंगे कि खुशी की वजह क्या है, तो वो उनके पास कोई ख़ास वजह नहीं होती, लेकिन वो जनरली खुश फील कर रहे होते हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ उनसे उनके बारे में नींद के बारे में पूछें, तो नींद के बारे में वो कहेंगे कि हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती नींद की, घर वाले ज़बरदस्ती कहते हैं सुलाते हैं। और अगर वो सो भी जाएँ एक या दो घंटे, तो वो फ्रेश फील महसूस करते हैं। एक दो घंटे के बाद जब उठेंगे जो फ्रेश फील महसूस करेंगे, जो कि नॉर्मल लोग एक दो घंटे के बाद बहुत कम होता है, कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो एक दो घंटे के बाद पावर नैप लेके तो ठीक हो जाते हैं या फ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन 24 घंटे या 48 घंटे में अगर कोई बंदा एक से दो घंटे की नींद ले रहा है और उसके ऊपर भी वो कह रहा है कि उसको नींद की जरूरत महसूस नहीं हो रही, तो इसको हम मेनिया के सिम्टम्स में जाते हैं, जिसको हम डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप कहते हैं। कुछ लोगों का इसमें खाना पीना ज़्यादा भी हो जाता है। दूसरी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट अलामत होती है उसके अंदर ये होता है, इसको हम ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, कि पेशेंट अपने आप को समझता है कि वो अल्लाह का कोई भेजा हुआ ख़ास बंदा है या किसी ख़ास मिशन के ऊपर भेजा गया है, या ये दुनिया में सबसे ताकतवर बंदा है, ये सारी दुनिया उसके कंट्रोल के अंदर है। बास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि हम नई दुनिया बना देंगे, नया शहर बना देंगे, पूरी एक वर्ल्ड को हम चेंज कर लेंगे। इंक्रीज्ड प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, कि बड़े बड़े मंसूबे बनाना शुरू हो जाते हैं, ये पेशेंट मेनिया के जो पेशेंट है वो इस तरह की बातें करेंगे। उसके अलावा इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, और घर वाले कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इरिटेबल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा होता है कि इनके अंदर मज़हब जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा मज़हबी हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मज़हब की तरफ इनका रुझान हो जाता है। ये मीनारों पे जाएंगे या वो जो मकबरे होते हैं उनके ऊपर जाएंगे, बगैर किसी टाइम के या बगैर किसी वक्त के नमाज पढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऊंची ऊंची नाते पढ़ना शुरू हो जाएंगे, या बिला वजह के बैठे बैठे कुरान पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत है या नहीं है, या नमाज का वक्त है या नहीं है, इनको नहीं पता, लेकिन ये एक्स्ट्रा मज़हबी हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक्सट्रीम इनकी ये होती है कि ये पैसे ज़्यादा खर्चना शुरू हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें ये सदका खैरात भी ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, जो अपनी घर की ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ है वो भी लोगों में बांटना शुरू हो जाएंगे। अगर शॉपिंग करने गए हैं तो एक ही जैसी 8-10 चीज़ें या 5-6 चीज़ें एक ही जैसी खरीद के लेकर आ जाएंगे, या ज़रूरत से ज़्यादा एक जैसी चीज़ें नहीं भी खरीदेंगे तो उसके अलावा भी बिला वजह के एक जूता लेने के लिए जाएंगे, 6-7 जूते लेकर आ जाएंगे, एक जोड़ा लेने के लिए जाएंगे उसकी जगह 7-8 जोड़े लेकर आ जाएंगे, तो इनके अंदर एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि इन जो उनकी सेक्सुअलिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, इसलिए इनको डिसइनहिबिशन जो है उसके अंदर भी हम डालते हैं, क्योंकि डिसइनहिबिटेड भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारी वो मेनिया की अलामत हैं जिनके ऊपर हम इनको मेनिया वाले सिम्टम्स में डालते हैं। और जो दूसरा सिम्टम है वो डिप्रेशन वाली साइड होती है बाइपोलर की, जिसके अंदर मिजाज जो है वो बहुत उदास रहता है, किसी काम करने में दिल नहीं लगता, सेल्फ इस्टीम आपकी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, होपलेसनेस होती है, आगे की ज़िंदगी मायूसी नाउमीदी की लगती है, अपना आप दूसरों के आगे बहुत बुरा लगता है। इसके अंदर होता है कि नींद आती नहीं है, यही क्वेश्चन हम जो नींद का सवाल है जो हम मेनिया और डिप्रेशन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं, उसके अंदर यही होता है कि जो मेनिया के पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमें नींद आती नहीं है, हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती नींद की, और जो डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं वो कहेंगे हम सोने की कोशिश करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आती। तो इस तरह हम ये मेनिया और डिप्रेशन की जो स्लीप वाला इशू है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। दूसरा, जो डिप्रेशन वाले होंगे वो खाना पीना जो है वो बंद कर देंगे, जिसकी वजह से उनका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, आसपास चीज़ों में ध्यान नहीं लगेगा, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन उनकी ख़राब हो जाती है, लोगों से मिलने जुलने का दिल नहीं करता, छोटी छोटी बात पर रोना आता है। तो ये वो बाइपोलर की दो एक्सट्रीम्स हैं।
जिनके ऊपर, जिसकी वजह से ये बायपोलर नाम हमने रखा हुआ है, जहाँ पे एक मेनिया है और एक डिप्रेशन है। तीसरी बात ये होती है कि जब सीजन स्विच होता है तो उसके अंदर भी कुछ लोगों के अंदर सीजनल अफेक्टिव पैटर्न भी आता है, जिसके अंदर जब जैसे जैसे ये बाहर का मौसम आता जाएगा, स्प्रिंग आती जाएगी, मौसम खुलता जाएगा, पेशेंट यूजुअली मेनिया में स्विच होते रहते हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि जैसे जैसे सीजन बदलता है वैसे वैसे जिनके अंदर टेंडेंसी होती है बाइपोलर में स्विच करने की, उसके अंदर ये मेनिया के अंदर जाने लगते हैं। और जैसे ही नवंबर दिसंबर का सर्दी का मौसम आने लगता है, तब ये पेशेंट जो है वो ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसके जो इलाज है उसके लिए हम आप लोगों को, अगर आप किसी भी बंदे में, आपके इर्द गिर्द के बंदों में किसी इस तरह की अलामत महसूस हो रही है, तो आप इसके लिए हमारे पास फ़ौरन क्लिनिक के ऊपर तशरीफ लें, जहाँ पे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों बैठे हुए हैं और वो आपकी अलामत के हिसाब से आपको दवाई देंगे, या अगर वो देखेंगे कि आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है तो आपको साइकोथेरेपी एडवाइस करेंगे, वरना वो मेडिसिन जो है उसके ऊपर ही रखेंगे, या फिर कुछ केसेस में दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो इस हिसाब से हमने जो पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं उनको गाइड करना होता है कि कुछ महीने लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा जिसमें ये स्टेबल हो जाएंगे, बेसलाइन के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन जो इनकी अलामत हैं उनके ऊपर आपने ज़रूर नज़र रखनी है। जैसे ही आपको लगने लगे कि इनकी नींद कम होने लगी है, या इनमें ताकत ज़्यादा आने लगी है, या ये बोलने ज़्यादा लग गए हैं, इस तरह की किसी भी किस्म की अलामत देखें तो आप अलर्ट हो जाएं कि ये शायद अब मेनिया में स्विच करने जा रहे हैं, या इनको डॉक्टर की दोबारा से ज़रूरत है दिखाने की। तो इस तरह के आपको कोई भी अलामत वाला मरीज़ नज़र आए या आपकी फ़ैमिली में या इर्द गिर्द में, तो आप क्लिनिक के ऊपर तशरीफ़ लाएँ ताकि आपका मुकम्मल तौर पर मुआयना कराया जा सके। शुक्रिया।